अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसानी गुर्दे की कीमत कितनी है और साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद आज तक कोई मसनूई गुर्दा क्यों नहीं बनाया। एक भाई साहब बयान करते हैं कि कराची में गुर्दे के एक स्पेशलिस्ट हैं। उनसे एक मर्तबा मेरे भाई ने पूछा कि आप एक इंसान के जिस्म से गुर्दा निकाल कर दूसरे इंसान को लगा देते हैं, लेकिन अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है तो कोई मसनूई गुर्दा क्यों नहीं बना लेते ताकि दूसरे इंसान के गुर्दे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। वो हंस कर जवाब देने लगे कि अव्वल तो साइंस की इस तरक्की के बावजूद मसनूई गुर्दा बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर जो एक छलनी लगाई है वो इतनी लतीफ़ और बारीक है कि अभी तक कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई जो इतनी लतीफ़ और बारीक छलनी बना सके। अगर बिलफर्ज ऐसी मशीन ईजाद हो भी जाए और ऐसी छलनी बना भी ली जाए तो इस पर अरबों रुपए खर्च होंगे, और अगर अरबों रुपए खर्च करके ऐसी छलनी बना ली जाए तब भी गुर्दे के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो हमारी कुदरत से बाहर है। वो चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर एक दिमाग बनाया है जो फैसला करता है कि इस आदमी के जिस्म को कितना पानी ज़रूरत है, कितना पानी जिस्म में रखना है और कितना पानी बाहर फेंकना है। हर इंसान का गुर्दा उस इंसान के हालात के मुताबिक, उसके जिस्म के मुताबिक और उसके वज़न के मुताबिक यह फ़ैसला करता है कि कितना पानी उसके जिस्म में रहना चाहिए और कितना बाहर फेंकना चाहिए, और इसका फ़ैसला 100% दुरुस्त होता है। इसके नतीजे में वो इतना पानी जिस्म में रोकता है जितने पानी की ज़रूरत होती है, और ज़रूरत से ज़ायद पानी पेशाब की शक्ल में जिस्म से बाहर फेंक देता है। लिहाजा अगर हम अरबों रुपए लगाकर मसनूई गुर्दा बना भी लें तब भी हम इसका दिमाग नहीं बना सकते जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के गुर्दे में पैदा फरमाया है।